दक्षिण कन्नड़ जिले के एक कॉलेज के अधिकारियों ने शनिवार को हिजाब पहनकर आई छात्राओं को वापस घर भेज दिया। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री वीसी नागेश की ओर से यह बयान देने के बाद कि कक्षाओं के अंदर केवल वर्दी पहनने वाले छात्रों को ही अनुमति है, यह फैसला लिया गया है। इससे पहले कॉलेज ने सिंडिकेट के फैसले के तहत हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी। हालांकि अधिकांश मुस्लिम छात्राएं शनिवार को बिना हिजाब के कक्षाओं में शामिल हुई, लेकिन 12 छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची थीं। उन्होंने उन्हें हिजाब के साथ ही कक्षाओं में जाने की अनुमति देने पर जोर दिया। हालांकि कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें कक्षाओं में जाने से रोक दिया और उन्हें पुस्तकालय जाने की अनुमति भी नहीं दी गई, जिसके बाद छात्राएं घर लौट आईं। इस तरह से जिले में हिजाब विवाद एक फिर से जोर पकड़ रहा है कॉलेज विकास समिति ने छात्राओं को हिजाब वॉशरूम या किसी खाली कक्ष में उतारने और फिर कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।